रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज मेरे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाली के प्रसिद्ध समाज सेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी श्री भीम राम जी। आज की इस विशेष पेशकश में भीमराव जी से बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एक समाज सेवी के रूप में पिछले कई वर्षों से अपनी सक्रियता के कारण कौन कौन से काम करते हैं ये आम जनता के लिए, पंचायत के गरीबों के लिए। आपको बता दें कि भीमराव जी जो है वो आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत शाली से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पिछले कई वर्षों से इस पंचायत की जनता के बीच उनके सुख और दुख में खड़े रहते हैं, लोगों के बीच समय देते हैं, लोगों की दुख और सुख को सुनते हैं। एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू जन प्रतिनिधि और एक समाज सेवी के रूप में ये पंचायत में सक्रिय है। आगामी पंचायत चुनाव में शाली पंचायत से बतौर मुखिया चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी में है और इनकी दिनचर्या में शामिल है कि प्रतिदिन ये अपने पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स में जाकर लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं और यथासंभव उनका निदान भी करते हैं। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश को आरंभ करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें श्री भीम राम जी से, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी सहभावी मुखिया प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत शाली प्रखंड जमुआ जिला गिरिडीह झारखंड से। भीम राम जी, आपका हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में जो आपके पंचायत में काम हुए इस पंचायत के मुखिया के सौजन्य से, क्या आप उन सभी कार्यों से संतुष्ट हैं? सर, वो जिस प्रकार अपने स्तर से काम किए सर, मैं उससे खुश नहीं हूँ और ना उनका कोई निंदा करना चाहता हूँ। उनका जो समझदारी था वो अपना किए सर, और मेरा जो ईमानदारी है, मैं ईमानदारी पूर्वक कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, सदाचार होकर के सर पूरा पब्लिक का काम करूंगा। आपके अनुसार पंचायत में मुखिया के सौजन्य से आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर मुखिया जी ने जो काम किए वो उन्होंने किए, आपको अगर इस पंचायत की जनता अवसर देती है तो आप अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे कि चहुमुखी विकास हो पंचायत का, जनता पंचायत स्तर पर सरकार के माध्यम से मिलने वाली सभी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं से ईमानदारी पूर्वक तरीके से और पारदर्शिता के साथ लाभान्वित होगी आपके माध्यम से, आपका ये कहना है? चलिए उम्मीद करते हैं। सर, एक बात और करना चाहूंगा, जनता के ओर से मेरा यदि जीत हुई तो मैं बेटा बनकर काम करूंगा। बेटा बनकर आप काम करूंगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी जनता आपको अवसर देगी पंचायत का कल्याण करने का। धन्यवाद। श्रीमान, आप पिछले 10-15 वर्षों से एक समाज सेवी के रूप में ग्राम पंचायत शाली में सक्रिय हैं। जी। पिछले 10-15 वर्षों की जो आपकी सक्रियता समाज में है एक समाज सेवी के रूप, प्रमुख रूप से आप लोगों के लिए किस तरह से काम करते हैं पंचायत? सर, हम अपने सर्वस्व निष्ठा और ईमानदारी के साथ में हम हारे हुए फिर भी अपना हार का महसूस नहीं करते सर, हम खुशहाल रहते सब समय और पब्लिक के लिए खुशहाल रहते हैं। जिनका जिनका जो काम नहीं हो पाया सर, उसके हम करने लिए सक्षम तैयार है सर, और एनी टाइम रहेंगे। बस एक बार हम लोग जनता से तरफ से एक बार हमको जीत का मौका मिले, फिर मेरा काम जिस प्रकार आज तक वो देखें उससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे सर। 2010-2015 के पंचायत चुनाव में दो बार आपने बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी पराजय हुई, लेकिन इससे आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई। आपका जो जज्बा है
वो अभी भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। और आप लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में, और आप अपने पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार इस पंचायत की जनता आपको अवसर दे। श्रीमान, अगर आपको इस पंचायत की जनता ने अपना दुआ प्यार और आशीर्वाद दिया और आप मुखिया बन गए, प्रमुख रूप से कौन कौन से काम आप करते हुए नजर आएंगे मुखिया बनने के बाद? सर, पहला नंबर जिनका जो आज तक सरकारी सुविधा नहीं मिल पाया सर, मैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। जैसे वृद्धा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है, जिन जिन लाभुक तक अभी तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला सर, उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास में रहूंगा सर। चलिए, आशा करते हैं कि आपके पंचायत की जनता जो कि समझदार है, जागरूक है, पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, जब सही समय आएगा झारखंड में जब पंचायत के चुनाव होंगे और इस पंचायत की जनता के सामने जब निर्णय का समय आएगा तो आपके पंचायत की सम्मानित और जागरूक जनता उचित निर्णय लेगी और सही और सक्षम और योग्य उम्मीदवार को ही इस पंचायत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सौंपेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। श्रीमान, ग्राम पंचायत शाली से बतौर मुखिया आपने दो बार चुनाव लड़ा, दोनों बार आप असफल रहे, दोनों बार आपकी पराजय हुई। आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत शाली से क्या एक बार फिर से और लगातार तीसरी बार आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? सर, खड़े होंगे। खड़े होंगे आप जी? क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे आप? सर, 100% जीत की उम्मीद है सर। 100%। ये जो एक तरफा विश्वास इस बार आपको है जी, क्या वजह है इसका? मेरा ईमानदारी सर, मेरा नीति, और जो आज तक मेरे जनता लोग देखे हैं कि ये समाज सेवी हैं, उसके ऊपर सारी जनता माने मेरे ऊपर आशीर्वाद के साथ में, कोई जाति पाति नहीं, सिर्फ एक निष्ठा देकर बोल भीमराम सही ईमानदारी व्यक्ति है, इस नाम से मुझे पूरे जितना ये साली पंचायत के नाम में जितने भी गांव हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं आपके द्वारा से, आपके चैनल के द्वारा से। और मैं चाहूंगा जिस तरह से आप लोगों के साथ मैं वादा कर रहा हूं, उस प्रकार पूरा भरसक निभाने का प्रयास में रहूंगा। आप सुन रहे थे श्री भीमराम जी को, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत शाली से। पूर्व में दो बार बतौर मुखिया चुनाव में पराजय झेलने वाले, आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत शाली से एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत की सम्मानित जनता के सामने अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी प्रस्तुत करने की तैयारी में है। और इस बार 100% ये सुनिश्चित है और आश्वस्त मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के तर्ज पर श्रीमान भीमराव को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार इस पंचायत की सम्मानित जनता इन्हीं को अपना दुआ प्यार और आशीर्वाद देगी और इस पंचायत की सेवा करने का अवसर देगी। मुझे उम्मीद है कि जब झारखंड में पंचायत का चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता जो कि सम्मानित है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उचित निर्णय लेगी और योग्य उम्मीदवार के हाथों में ही पंचायत का बागडोर भी देगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय ग्राम पंचायत शाली में हूँ। शाली गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के प्रसिद्ध समाज सेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी श्री भीम राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे साथ इस समय इस पंचायत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक की उपस्थिति है। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें ग्राम पंचायत शाली को और श्रीमान भीमराव जी की उम्मीदवारी और दावेदारी को, कितना मजबूत इनकी दावेदारी है, क्या कहते हैं शिक्षक महोदय। श्रीमान, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामकिशन यादव। रामकिशन यादव जी, आप एक अनुभवी शिक्षक हैं। आप मुझे ये बताएं कि पंचायत में वर्तमान में जो भी काम हो रहे हैं
पंचायत के जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, अभी जो संतुष्टि कहाँ असंतुष्टि है और कहाँ कमी है? संतुष्टि यहाँ है सर कि आपने एक बार योजना लिए थे और उस योजना में वो मुखिया जो है वर्तमान मुखिया बसरुद्दीन अंसारी वो हमसे 1700 कमीशन बोल रहा, हमने 1800 रुपए कमीशन दिए, उसके बावजूद भी उसने मेरा 18000 रुपए गबन करवा दिए। जब मैंने रोजगार सेवक से मांग किए कि हमको इसका जो है क्या बोलते हैं योजना संख्या दीजिए, तो वो देने के लिए इनकार करवा दिए। आपके अनुसार श्रीमान पंचायत के जनप्रतिनिधि जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे जी। आपके सामने इस बार एक नए विकल्प के रूप में भीमराव जी आ रहे हैं जी। बहुत भीमराव जी जो है वो दो बार चुनाव में पराजय हो चुके हैं, इनकी पराजय हुई है, वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, क्या आपको लगता है कि तीसरी बार ये जीतने की स्थिति में है? देखिए सर, इनका जो अवर का जो चुनाव है बहुत ही बेहतरीन है, 101% हम आशा करते हैं इस बार इनकी जीत होगी। इस बार इनकी जीत होगी क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ईमानदारी है, इनकी ईमानदारी है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी नीति है ईमानदारी की जी। और जो मुख्य कारण बनेगा इनकी जीत की। चलिए, आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत शाली के एक शिक्षक की राय यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि के विषय में, और जो हमारे साथ इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं मुखिया प्रत्याशी श्री भीम राम जी, इनकी दावेदारी और उम्मीदवारी के विषय में भी ये अपनी राय रख रहे थे, और इनके अनुसार ये एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और इनके लिए तुरूप का पत्ता साबित होने जा रहा है इनकी ईमानदारी। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर अपनी सक्रियता के बल पर इन्होंने लोगों का दिल जीता है, लोगों के काम किए हैं, हालांकि बहुत ही संपन्न नहीं है ये, बहुत ही साधारण परिवार के, लेकिन इनकी कार्यशैली और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्रशंसनीय है, और इसी के कारण शिक्षक महोदय को लगता है कि इनकी दावेदारी बहुत ही मजबूत है और आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पंचायत के नेतृत्व की जिम्मेदारी भीमराव जी को मिलने की प्रबल संभावना।